फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.2 का 21 क्वेश्चन है। फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डेसिमल रूट टू इक्वल टू 1.4142, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट टेन। इस सब की वैल्यू दी गई है हमें और हमें क्वेश्चन दिया गया 3-√5 और 3+√5, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखते हैं हम। अब 3-√5 अपॉन 3+√5 मल्टीप्लाई करेंगे आप माइनस से तो प्लस हो जाएगा। 3-√5 अपॉन 3-√5। अब 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई 2√5 में करें तो माइनस और 3 2 6√5 और 2√5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3√5 और 2√5 का मल्टीप्लाई 2√5 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 और रूट फाइव पेयर बन गया तो रूट के बाहर निकला तो 2 5 10 हो गया अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 2√5 का होल स्क्वायर। 9+10 19, 6-6√5 -3√5 तो -9√5 हो जाएगा अपॉन 3 का स्क्वायर यानी 9 -20, 2 2 4 4 5 20 और 19-9√5 अपॉन -11। अब यहाँ पे जो रूट फाइव है इसकी वैल्यू क्या दी गई थी, 2.2360। अब यहीं पुट अप कर देते हैं वही वैल्यू से हम, तो 9-9 × 2.2360 अपॉन -11। 19 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई कर ले 9 × 2.2360 तो आ जाएगा 20.1240 अपॉन -11। अब इसको माइनस कर लेते हैं तो माइनस करने के बाद आएगा -1.1240 अपॉन -11 और माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा 1.1240 अपॉन 11। अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.102। ये आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन है 1/√3 - √2 - 1। अब इसको रिस्लाइज करते हैं तो जाएगा 1/√3 - √2 - 1 हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट लगे क्योंकि हम माइनस आए हैं तो यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं इंटू, यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर देते हैं तो √3 + √2 - 1 अपॉन √3 + √2 - 1। अब 1 का मल्टीप्लाई √3 में करें तो √3 आएगा और प्लस ब्रैकेट में क्या है √2 - 1 अपॉन, अब ब्रैकेट लगा दी तो इसका साइन तो चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो गया तो √3 + √2 + 1 अपॉन √3 + √2 + 1 तो जब √3 + √2 + 1 अपॉन, ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है तो √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 + 1 का होल स्क्वायर। अब √3 + अब ब्रैकेट को खोल देते हैं तो जगह √2 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर यानी 3 माइनस ये a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² - 2 + 2ab फार्मूला होता है। ये फार्मूला इसको पुट कर देते हैं इन्हें √2 का होल स्क्वायर और +1 का स्क्वायर + 2 √2 × 1। अब √3 हो गया +√2 + 1 अपॉन 3 - √2 का स्क्वायर 2 + 1 और +2 2 4 2√2। अब ये था √3 + √2 + 1 अपॉन 3 - 2 + 1 + 2√2 तो जाएगा √3 यहाँ पे है +√2 + 1 अपॉन यहाँ पे 3 है 3 - 2 + 1 3 हो जाता है +2√2 फिर हो गया √3 + √2 + 1 अपॉन 3 - जब ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा -3 - 2√2। अब प्लस थ्री और माइनस थ्री कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा √3 + √2 + 1 अपॉन -2√2। अब डिनोमिनेटर में रूट रूट है
तो रूट को हटाने के लिए हम रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट टू अपॉन रूट टू, तो हो जाएगा रूट सिक्स, थ्री इंटू टू सिक्स हो जाएगा, प्लस रूट फोर, नहीं रूट टू ही आएगा, टू आएगा यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि यहाँ पेयर बन गया रूट टू इंटू रूट टू, तो टू इंटू टू पेयर बन गया, जैसे रूट के बाहर चलाया, अब प्लस वन मतलब यानी प्लस रूट टू अपॉन, यहाँ माइनस टू रूट टू था, अब हो जाएगा माइनस फोर, टू टू जो फोर हो जाएगा, अब माइनस रूट सिक्स के स्थान पर क्या था, वैल्यू क्या दी गई थी, और रूट सिक्स की वैल्यू दी गई थी 2.44445 प्लस टू, प्लस रूट टू की वैल्यू थी 1.4142 अपॉन माइनस फोर। अब इसको प्लस करेंगे जब हो जाएगा, इस सब टर्म को प्लस करेंगे तो आएगा 5.8587 अपॉन माइनस फोर, और जब फोर से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.466 माइनस 1.466। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब ये थर्ड पार्ट है, वन प्लस रूट टू अपॉन थ्री माइनस टू रूट टू, इसको स्लाइज करेंगे तो जाएगा थ्री प्लस टू रूट टू अपॉन थ्री प्लस टू रूट टू, अब वन का मल्टीप्लाई थ्री में करेंगे थ्री प्लस टू रूट टू, फिर प्लस रूट टू का मल्टीप्लाई थ्री में करेंगे तो प्लस थ्री रूट टू, अब प्लस रूट टू का मल्टीप्लाई प्लस टू रूट टू में करेंगे तो हो जाएगा टू टू ज़ा फोर, और रूट टू का पेयर बन गया तो रूट के बाद चला तो टू टू ज़ा फोर हो जाएगा प्लस फोर अपॉन ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो थ्री का स्क्वायर माइनस टू रूट टू का होल स्क्वायर, अब थ्री प्लस फोर सेवन हो गया, प्लस टू और थ्री फाइव हो गया, तो फाइव रूट टू अपॉन थ्री थ्री ज़ा नाइन माइनस टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट हो गया। अब बचा सेवन प्लस फाइव रूट टू, और नाइन माइनस एट वन आया था, तो इसको हम लिख सकते हैं सेवन प्लस फाइव रूट टू, अब रूट टू की ऑफ सेवन हो गया प्लस हो गया फाइव हो गया, रूट टू का वैल्यू क्या था, रूट टू, अब रूट टू की वैल्यू पुटअप कर लिया यहाँ पे हमने 1.4142, अब फाइव इंटू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.0712, और सेवन से प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 14.071, ये आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।